पंजाब में वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला बटाला का है। बटाला के शाहपुर गांव में एक युवक को कुछ लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक युवक को गोलियां मारी गई हैं। सतगुरु जी, मैं तो अपने पिंड के गुरद्वारा साहब बैठा, फोन आया बटाला मगरों की मतलब गोलियां चल गई हैं। तो मैं आप भज के आए तो उत्थे हाथा जा नंदे का ढाबा, उ तीन चार जने कट्ठे बैठे आ, पांच सात बंदे आए ने, मूँह बदे उन्होंने सीधा आने वा गोलियां चलाइया वा। एक बंदे तीन गोली चार वजिया वा, एक दे सिर च वजी आ, तत्र भी मारे आ, थां ते वड्डे आ उन्होंने। तो एक मेरे भरा दे सीधे दिल ते गोली वजी जिहदी डैथ हो गई आ, ते दो जिहड़े रैफर ने अमृतसर वा। पुरानी रंजिश तो माड़ी मोटी हैगी है, कोई वो एड्डी गल नहीं, पता नहीं हूँ की कौन किदा कर गया की गल, ये बारे को नॉलेज नहीं। पार्टी बाजी नहीं लैके ते नहीं, पार्टी बाजी दी भी कोई गल नहीं हैगी। किन्ना ते लगदा जी शक, जिहड़े पुरानी रंजिश कह रहे हो शक के ते लगदा? शक वेखो जाके करदे आ, उस वेख ते करदे आ, फिर ही पता लगूगा। इहनां दी गोली वजी भाजी कौन, की नाम जी उहनां दा? जसविंदर सिंह, सन ऑफ शिंगारा सिंह, पिंड शाहपुर तों। किन्नी उम्र जी? 34 साल उम्र है जी। ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜੀ? 8:20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਰੋਡਰ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇੰਜਰਡ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਰੋਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਇੰਜਰੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ इनिशियल ट्रीटमेंट देखे। आपको बता दें, इस पूरे मामले में एक युवक की मौत हो गई है और दो अन्य जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया है। अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एन एंड्रॉइड बेस्ड डीटीएच स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म। 24 घंटे लाइव देखे हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर।